नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथक में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीएल के द्वारा एक रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 22/2020 को ही रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि दोस्तों अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया है, जो कि अकाउंटेंट कास्ट अकाउंटेंट तकनीकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो दोस्तों पदों की संख्या है टोटल, वो लगभग तिरानवे पोस्ट है दोस्तों, 93, जो कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का है। इसमें जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, अकाउंट तकनीकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड ए के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समझ कर परीक्षा प्राप्त होना चाहिए। यानी दोस्तों आप 10वीं पास तो होना चाहिए, साथ में आपके पास जो हाई क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर है तो वो भी आपका चलेगा। इस साथ में दोस्तों सीए या ICWA की परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा आप पास होना चाहिए। और ये जो दोस्तों आपके पोस्टिंग की श्रेणी है, जो ये है आपको दोस्तों मिलेगा। इसमें जो दोस्तों टोटल पोस्ट है दोस्तों 41 पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज ये कुछ दोस्तों पदों की संख्या है, आप इसको देख लें। साथ में दोस्तों ओवरसीयर तकनीकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड सी के लिए, इसमें भी दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, जिसमें आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास उसके हाई लेवल की भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो चल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको सिविल इंजीनियर में मान्यता प्राप्त संस्था से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसमें जो दोस्तों टोटल पदों की संख्या है 35 है, और कैटेगरी वाइज ये आपको नीचे दिखाया गया है। साथ में अमीन तकनीकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड के लिए आप 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और साथ में आपके इसमें जो दोस्तों टोटल पद है 10 हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें आप किस क्वालिफिकेशन को एलिजिबल हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप करें। साथ में जूनियर केमिस्ट तकनीकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड के लिए टोटल है 7 पोस्ट हैं, और जो टोटल कैटेगरी वाइज हैं वो अलग अलग हैं हर पोस्ट के लिए। जो दोस्तों फॉर्म भरने के जो स्टार्टिंग डेट है 16/3/2020 से स्टार्ट है, और जो फॉर्म लास्ट डेट है भरने की वो 30/3 तक लास्ट डेट है। फॉर्म भरना जब भी स्टार्ट हो तो आप उसको सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। साथ में दोस्तों जो फॉर्म फीस है वो ₹500 है OBC और जनरल के लिए, और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं SC SC के लिए, उनके लिए फॉर्म फीस ₹0 है। तो दोस्तों पे स्केल के बारे में हम बात करें, तो इसमें जो दोस्तों अकाउंटेंट कास्ट अकाउंटेंट हैं उनके लिए ₹37,63 का 1 वर्ष के लिए पे स्केल मिलेगा। साथ में TA एंड S ग्रेड C का न्यूनतम वेतन, यानी दोस्तों ओवर सीयर जो हैं उनके लिए ₹31,852 मिलेगा। सारे TA एवं DM मिला के अमीन तकनीकी एवं जूनियर केमिस्ट के लिए 29,460 रुपये पेमेंट प्रतिवर्ष, सॉरी दोस्तों प्रतिमाह मिलेगा। साथ में दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम होगा वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में से के आसपास एरिया में होगा। साथ में दोस्तों जो एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 वर्ष की एज लिमिट होनी चाहिए, इसके बीच वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो जो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, समस्त पद के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, और जो कैटेगरी वाइज है OBC के लिए ST SC के लिए कम से कम 40 नंबर आपको लाना है, तो आप इस क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या अन्य कार्य के लिए बुलाया जाएगा। साथ में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% यानी 50 नंबर का अंक हासिल करना होगा। तो जो दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट है LinkedIn, आप वहां से जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके आसपास के लोगों को या अन्य लोगों को भी पता चले कि वैकेंसी एनसीएल में आई है। धन्यवाद दोस्तों।